जब जानवर कोई इंसान को मारे, जब जानवर कोई इंसान को मारे, कहते हैं दुनिया में वहशी उसे सारे। सरिस्का पूरा जंगल है और ये घटना घटी है, वहाँ सरकार पूरी तरह से लग रही है, वहाँ लोगों को लगाया है और जिस तरह की घटना हुई है, दो तीन परिवारों के साथ ये हुई है, ये निश्चित रूप से घटना दुखद घटना है कि जानवर जिस तरह से उनको ले जा रहे हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें पहले भी उसमें हैं और देखो, पशु तो पशु ही होता है, अब वो कई कारण से थोड़ी सी अगर कहीं व्यक्ति की लापरवाही भी होती है, अगर वो भी कहीं आती है तो उसका भी खामियाजा मुकदमा। देखिए, जानवरों के इलाके के अंदर इंसान जो है वो रहने लगे हैं, इसलिए जानवर जो है वो निकल निकल के और अब इंसानों के इलाके में आ रहे हैं। और वैसे तो जानवर जो है वो कभी इंसान के ऊपर अटैक नहीं करता है, लेकिन कभी उसको छेड़छाड़ हुई होगी, इस वजह से वो जो जानवर है वो आदमखोर हो चुका है। जब ऐसा जानवर हो जाता है तो उसके लिए तो फिर यही उपाय है कि उसको ख़त्म ही किया जा सकता है। जाहिर है कई सवाल हमारे बीच में है, लेकिन दखल की बात रणथंबोर और सरिस्का के जरिए कहते हैं कि 29 गांव जो है कि सरिस्का में डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं, 11 गांवों के विस्थापन की प्रक्रिया सरकार ने शुरू की और 3 का काम अब तक हो पाया, ये सालों से चल रहा है। और रणथंबोर की अगर बात की जाए, गिनती है कि 60 के करीब बाघ हैं, लेकिन एरिया छोटा पड़ने लगा है और दूसरे जीवों पर हावी होने लगा है। इन दोनों बातों को लेकर आ रहा हूँ, एक तरफ इंसानी दखल और दूसरी तरफ इंसान की तरफ से क्रिएट किया हुआ दखल। सूरज जिद्दी साहब, दोनों में ही जंगल पर सीधा असर पड़ रहा है, ऐसा तो फिर क्या किया जाए, रास्ता कहाँ से निकाला जाए? देखिए, जब हमने प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया था या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की संकल्पना की थी तो एक बफर जोन की संकल्पना की थी ताकि कोर जोन में हमारे जानवर रह सके, उनका साइंटिफिक मैनेजमेंट किया जा सके। वो बफर जोन है, उसमें थोड़ा बहुत लाभ गांव वाले भी लें और जानवर भी लें। स्थिति आज ये हो गई है पिछले 60-70 सालों में आज़ादी के बाद कि बफर जोन इतना अत्यधिक डिस्टर्ब हो गया है, उसमें इतना अधिक माइनिंग होता है जैसा सुनील शर्मा जी ने कहा, लकड़ी कटाई होती है, पशुओं की चराई होती है, तो जो उनका एक बफर जो बफर जोन था जिससे जानवर भूले भटके भी आ जाएं तो अपना जीवन यापन कर सकें, आज उनके जीवन यापन का बड़ा भारी संकट है। दूसरा, बहुत सारे ऐसे कारण हैं कि जैसे पानी की दिक्कत है। मैं तो रणथंबोर में इन दिनों काफी टाइम से काम कर रहा हूं, मैं देखता हूं कि 60 बाघों जितना एरिया है, क्या रणथंबोर 60 बाघों के रहने लायक एरिया है? नहीं, अब हमारी पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है कि आए दिन देखिए ना, अब हमारे चंबल के कछारों में जाके कोटा बूंदी तक टाइगर का मूवमेंट आए दिन होता रहता है, करौली की तरफ कर्णपुर ना, वो महफूज है वहां पर, क्योंकि जो एरिया है उनको छोटा लग रहा है और इसी वजह से करौली और कर्णपुर तक हमारे टाइगरों का पलायन हो रहा है। तो ये सरकार को या हमारे वन्यजीव प्रबंधक को सोचना चाहिए कि आए दिन जानवरों का जंगल से बराबर जो पलायन हो रहा है वो बहुत चिंता की विषय है, और जब तक इसमें मॉनिटरिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, एक साइंटिफिक रिसर्च करके उनके कॉरिडोर डेवलप नहीं करेंगे, आए दिन ये समस्या होती रहेगी। बहुत जरूरी है कि जो पुराने लिंकेज हैं, चाहे वो सरिस्का के हो, रणथंबोर के हो, कुंभलगढ़ के हो, दरां के हो, जो हमारे टाइगर के, पेंथर के या दूसरे जो हमारे प्रेडेटर्स हैं उनके कॉरिडोर हैं, उनको भी डेवलप करना पड़ेगा, वो नहीं हो पा रहा काम। हाँ जी, आपको विकल्प देने पड़ेंगे। क्या सहाय साहब, ऐसा कोई प्रोजेक्ट है, इन पर गौर किया जाए? नहीं, कॉरिडोर बनाना तो आवश्यक ही है क्योंकि एक टाइगर कॉरिडोर की बात तो हम सुन रहे हैं कि बन रहा है, लगातार कनेक्टिविटी की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसके साथ साथ इनका पलायन रुके, इसको लेकर एफर्ट्स होनी चाहिए, वो शायद कहीं पीछे है डिपार्टमेंट। ये मॉनिटरिंग की कमी है, उसके कारण हमारा जब भी घटना होती है उसके तत्काल बाद अगर आप एक्शन लेते हैं। जी सहाय साहब, नहीं इसमें कोई शक नहीं है कि विभाग को ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए कि पलायन रुके, लेकिन प्रयास किए जा रहे हैं, प्रयास में कि उनको पानी और फूड दो चीज़ उनको उपलब्ध कराया जा रहा है। जहाँ पे प्रेबेस की कमी विभाग समझता है वहाँ प्रेबेस को इंक्रीज करने के प्रयास किए जाते हैं, वाटर होल्स बनाए जाते हैं, और पिंच पीरियड जब गर्मी होती है, जब गर्मी में वाटर होल्स की संख्या वाटर लिमिटेड हो जाती है, तब उसके हमारे पास नियमित बजट आता है विभाग के पास और पानी उसमें दिया जाता है। तो इस तरह प्रयास तो किए जा रहे हैं कि एनिमल बाहर ना जाए,
लेकिन फिर भी जब बाहर चले जाते हैं तो उसको मॉनिटरिंग किया जाना चाहिए जिस दिन का कि क्यों जाता है, कहाँ जाता है और उसको किस तरह से वापस वो मॉनिटरिंग का काम होना चाहिए, कहाँ पर चूक हो रही है। दिनेश जी सीकर से नमस्कार सर। नमस्कार पारिक साहब जी, आपके इलाके में भी बीते दिनों एक पैंथर आया था। आप पिछले दिनों नहीं, आज का समाचार पत्र में है, नरसिंहपुरी में पैंथर देख महिला बेहोश। ये नीम का थाना के पास चला है, उस पे करैया की ढाणी है जी। वहाँ खेत में काम कर रही थी महिला, उसने बताया वन विभाग के लोगों ने पर्ची उठाए, वन विभाग वाले कह रहे हैं पैंथर नहीं है, गांव वाले कह रहे हैं पैंथर की दहाड़ रात पर सुनाई देती है। और वही नहीं, दातारामगढ़ में भी पिछले दिनों हुआ है। ये जो नीम का थाना का खंडेला श्री माधोपुर दातारामगढ़ का जो इलाका है उसमें लगातार पिछले 1.5-2 महीने से अभी तक कोई पकड़ में भी नहीं है, वन विभाग को पता भी नहीं चला है कौन सा जानवर है। और यहाँ भी घायल हुए हैं ग्रामीण, और वहाँ सरिस्का की ये जो घटना है तो ये पूरी पूरी जिम्मेदारी सरकार की और वन विभाग की जिम्मेदारी है कि अगर पैंथर बस्ती में आ रहा है, लोगों को घायल कर रहा है, लोगों को डर है और लोग अगर मर रहे हैं तो सरकार की और वन विभाग की जिम्मेदारी है। बिल्कुल, अब मैं उसी पहलू पर आता हूँ, शुक्रिया। दुरानी साहब, सरिस्का का जिक्र करेंगे, गांव का विस्थापन क्या तत्काल होना चाहिए, ग्रामीणों को समझाइश में फेत में लिया जाना चाहिए, उसके साथ साथ मैं आपको जैसे साहब ने बोला था मॉनिटरिंग के लिए, मॉनिटरिंग करेगा कौन इसका, ये बड़ा क्वेश्चन है कि मॉनिटरिंग करेगा कौन। स्टाफ तुम्हारे पास है नहीं श्रीमान जी, मॉनिटरिंग तो स्टाफ करेगा, आपके पास कहाँ है स्टाफ? इतना बड़ा जंगल है, आपके पास स्टाफ नहीं होता है तो जब मॉनिटरिंग करने के लिए स्टाफ नहीं है तो तुम कौन किससे कराओगे? स्टाफ है नहीं, नहीं उसके लिए स्टाफ के अलावा मैं ये कहना चाहता हूँ आजकल प्रोफेशनल नहीं है, बहुत सारे प्रोफेशनल एनजीओ एक्सेप्ट करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी की भी बात है, तकनीक भी होनी चाहिए। आउटसोर्स करिए, आप उनके तकनीकी मदद लीजिए, आप तकनीकी बहुत सारे आउटसोर्स करिए ना, आपसे रिसर्च नहीं होती, दूसरों को आपने देखा रेडियो कॉलर्स मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं हो पाते उनकी बैटरी, आप ड्रोन से, आप ड्रोन से करिए, सैटेलाइट से करिए, मॉनिटरिंग हो रहा है ना, अंधेरों की पहचान अब तक नहीं कर पा रहे हैं, उनका चिन्ह उनको चिन्हित नहीं कर पा रहे। इस केस में भी ऐसा सामने आ रहा है कि हम ये तय नहीं कर सकते अगर सामने कोई वगैरह आ गया तो क्या यही मेन हीटर है, तो ये जो सिस्टम है इसको क्या सुनेन जी बदलने की तत्काल जरूरत है? देखिए इसमें मेरा ये कहना है कि जैसे मैंने छोड़ा था वहीं से शुरू करूंगा कि ये बहुत जरूरी है कि सही जिसने के हमला किया उसको ही पकड़े आप। सोसाइटी में भी ये करते हैं ना कि जो बदमाश है उसको ही पकड़ना चाहिए, अगर आपने उसकी जगह तीसरे को टेक दिया तो वो तो खुला घूमेगा और वो अपराध करता रहेगा, लोगों को नुकसान होता रहेगा, मारता रहेगा, और कोई मासूम जो है उसकी जगह आपने अंदर कर दिया तो ये तो बिल्कुल ही जिसको आप सबसे खराब मिसमैनेजमेंट बोलिए, वो है मिसमैनेजमेंट, इसका तरीका है तो पूरा ऐसा नहीं है। अब आज के जमाने में हम लोग चांद पे पहुंच गए, हम लोग मंगल पे पहुंच गए, जाने क्या कर रहे हैं, साइंस टेक्नोलॉजी का बहुत डेवलपमेंट है, अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने उसका उपयोग नहीं किया। आज आप देखिए कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ देहरादून जो है वो फॉरेंसिक जेनेटिक्स में उसने बहुत काम किया है, आई नो पर्टिकुलरली सम प्रोफेसर्स देयर जो बहुत साइंटिस्ट बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, हम क्यों नहीं उनकी सर्विसेज लेते, हम क्यों नहीं ये देखना चाहते। मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ, हम तो एडमिनिस्ट्रेशन में रहे हैं, साय साहब भी रहे, हम भी रहे, एक जमाना निकला है, बिल्कुल अगर मैं भी होता वहाँ तो सबसे पहले क्या करता, खैर मारने का आदेश तो नहीं देता या ये कोशिश नहीं करता, मना करता, लेकिन पकड़ने की बात होती, पकड़ करने की कोशिश करते, उस समय ये मौका नहीं मिलता कि सही जानवर कौन सा है, गलत जानवर, क्योंकि आपने पिंजरा लगाया तो जो भी बेचारा बकरे लालच में उससे पहचान भी हो जाती, पकड़ा जाएगा, लेकिन उसको आपने किया, हो सकता है लोगों का थोड़ी देर के लिए डाइल्यूट हो जाएगा गुस्सा, वो जरूरी है प्रशासनिक दृष्टिकोण से, फिर तो आप पहचान करो कि ये वही जानवर है या कोई और। अब पहचान करने का तरीका क्या है, हो सकता है सलाइवा से, उसकी स्कैट से, टट्टी जो मल जो निकलता है, उसके यूरिनेशन से, उसके बाल, बहुत से विक्टिम के साथ रह जाते हैं, बिल्कुल स्पॉट पे रह जाते हैं, वो एविडेंस लेस करके एक प्रोटोकॉल डेवलप कर, जैसे टाइगर की स्ट्राइप से आपने सरिस्के वहां रणथंबोर में किया है, हर एक टाइगर को एक इस साइड की स्ट्राइप से और दूसरे साइड की स्ट्राइप से पहचान में उन्होंने कोडिंग कर ली है, ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, फलाने वहां का, उसको देख के मिलान कर लेते हैं कि T24 है, T25 है, ये लेपर्ड के केस में भी किया जाए। एक्चुअली क्या है
सर कि वो जो लेपर्ड है ना, डीएनए का प्रोटोकॉल बना वो ना इतना टाइम ही नहीं दे पा रहा है आज की तारीख में, वो आता है एकदम जैसे कि अपन नहीं कहा जिन पर अटैक हुआ है, कम से कम उनसे ये हो सकता है सलाइवा तो हो सकता है, बाल मिल जाएंगे, यही वो एविडेंस होते हैं, मैं यही कह रहा हूँ उस जानवर को पहचानने के एविडेंस होते हैं, असली सुन ले कोशिश करेंगे तो कार्रवाई, मैं यही कह रहा हूँ उस समय इमीडिएटली दुरानी जी सही कहा हो नहीं सकता, कोई बात नहीं है आप उसे पिंजरा लगाइए पकड़िए, पकड़ने के बाद तो आपके पास है उसका ब्लड सैंपल लीजिए, आपने देखा और आपने जो विक्टिम है उसके शरीर से उस स्पॉट से जो आपने प्राप्त किया उसका डीएनए उनको मैच करके देखिए, अगर वो नहीं है तो उस गरीब को तो छोड़िए और दूसरे की तलाश कीजिए, तो आप ये करेंगे कि आप सही को पकड़ेंगे। एक्चुअली ये जब समस्या खत्म हो जाए तब खाली समय में ये सब प्रयास किए जाने चाहिए। चलिए तो फायर फाइटिंग सूरज सोनी जी आपकी टिप्पणी ब्रेक पर जाता हूँ, आखिरी दौर में लौटेंगे राय के साथ। सूरज जी मैं ब्रेक के बाद आपके पास आऊंगा, माफी चाहूंगा, ब्रेक लेते हैं लौटते हैं तुरंत। आदमी में और जानवरों में फर्क रखना चाहिए, जहाँ जंगल में तो जानवरों की उचित व्यवस्था हो उनके, और जो ये शहरी क्षेत्र में आ जाते हैं उनमें रोक होना चाहिए। तो आदमी भी आज के जंगल में ज़्यादा घुस रहे हैं कि कोई फार्म हाउस बना रहा है क्या बना रहा है, तो उनमें गैप होना चाहिए दोनों में। काल पर तो राय पर नाकाम होगी, आज उन बावड़ी पंचायत पर होगी, तीन मौत होगी, चार पाँच दिन में। जब जानवर कोई इंसान को मारे, जब जानवर कोई इंसान को मारे, कहते हैं दुनिया में वहशी।